अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज खानेवाल में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डीपी ऑफिस के पास एक बहुत खूबसूरत एक मोनूमेंट बनाई गई है जो कि यादगार शहदा है पुलिस की। और यहाँ पर जितने भी शहदा कराम हैं पुलिस में जो शहीद हुए हैं, ये सैयद खुर्रम अली शाह साहब हैं, ये हैं जनाब आरपीओ मुल्तान, और उन्होंने और जनाब मोहम्मद अली वसीम साहब भी हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल। इन्होंने आज ये मोरखा 18 फरवरी 2021 बरोज़ जुमेरात को इसका इफ्तिताह कर दिया है। और फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताना चाहते हैं। इस जगह की, ये डीपीओ ऑफिस के साथ ये एक जगह हुआ करती थी जहां पर कभी हम देखते थे कि यहां पर कैंटीन भी होती थी और मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स होती थी। उसके बाद इसको सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के हुक्म से, आरपीओ साहब के हुक्म से ही शायद इसको डिमोलिश कर दिया गया, क्योंकि हमारे मुल्क के जो नाजुक हालात हैं आपको पता ही है, उसके उन हालात के तनाजुर में इसको ख़त्म कर दिया गया। और अब ये आरपीओ साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और पुलिस में जितने भी शहदा कराम हैं उनको उनकी मतलब खराज तहसीन पेश करने के लिए, उनको डेडिकेट करने के लिए उन्होंने ये एक खूबसूरत मोनूमेंट बनाई है। और जिसमें हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उन शहदा कराम की तस्वीर भी लगाई गई हैं, और आज आपको ये तस्वीर भी दिखाते हैं। ये हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं, हमारी कौम का फ़ख्र हैं, हमारे सरों के ताज हैं। और शहीद की तो आप वैसे भी हम जानते हैं कि शहीद मरता नहीं, हमेशा ज़िंदा रहता है। शहीद की जो मौत है वह कौम की हयात है। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये इनकी तस्वीर हैं, ये हमारे पुलिस के जाँबाज शहीद। और ये देखें इनकी, हम आपको तस्वीर दिखाते हैं और इनके नाम भी आपको बताएंगे। इनके नाम अलग से ही प्रिंट हुए हुए हैं, इधर उनकी तख्ती लगी हुई है। ये इन शहदा कराम की तस्वीर हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और अगर आपका ताल्लुक़ खानेवाल से है या खानेवाल से नहीं भी है, तो आप किसी भी और सिटी से भी हैं, तो आपको बताते हैं कि आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं और इस ख़ास तौर पर इस मोनूमेंट को ज़रूर देखें, क्योंकि माशाल्लाह ये हमारे खानेवाल सिटी के हुसन में भी एक इजाफ़ा है। और इन लोगों को खराज तहसीन पेश किया गया है, तो इस चीज़ को देख कर हमारे दिलों से भी इन शहदा कराम के लिए दुआ निकल रही है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं रखती, अपने बहादुरों को याद नहीं रखती, वो कौमें वैसे भी ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें इन शहदा कराम की इज़्ज़त करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारी सिक्योरिटी है, हमारा तहफ़ है। चलें, आपको लेकर चलते हैं और इनके बाकी इनके नाम भी आपको दिखाते हैं। ये फ्रेंड्स इनके नाम हैं, ये शहीद पुलिस ऑफिसर्स ऑफिशियल्स डिस्ट्रिक्ट खानेवाल। फ्रेंड्स, ये इंस्पेक्टर सईद अहमद साहब हैं, और इनकी ये डेट भी लिखी हुई है किस डेट को ये। और ये बशीर अहमद साहब इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर अली जान साहब हैं, और सब इंस्पेक्टर मंजूर अहमद साहब हैं, और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ख़ान साहब हैं। ये फ्रेंड्स इनके नाम आ रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर। ये फ्रेंड्स एक और आपके सामने, ये इनके नाम आ रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स, इसके साथ ही पाकिस्तान का फ्लैग भी लगाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और हमारे जज्बाए शहादत को भी उजागर कर रहा है, और अपने वतन पर मर मिटने की ख्वाहिश को और अज़म को भी निखार रहा है। फ्रेंड्स, ये जगह पहले कोई बहुत ज़्यादा नोटिसेबल नहीं थी, बस यही था कि इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसको देख रहे हैं, ये इंतहाई खूबसूरत इजाफ़ा है खानेवाल के हुस्न में। और चूँकि इसको डेडिकेट कर दिया गया है शहदा के साथ, तो ये चीज़ हमारे लिए वैसे भी बायस फ़ख्र बन चुकी है। और सिर्फ ये खानेवाल का ही नहीं, ये हमारे पूरे मुल्क के अवाम के लिए एक तोहफ़ा है, और वो यहाँ पर आएँ जोक दर जोक ज़रूर आना चाहिए और इस चीज़ को ज़रूर सराहना चाहिए कि ये एक
पुलिस ऑफिसर्स जो जैसे खुर्रम शहजाद साहब हैं आरपीओ मुल्तान, उन्होंने इतना खूबसूरत इनिशिएटिव लिया है, ऐसा ज़बरदस्त उन्होंने डिसीजन लिया है। और आपको ज़रा एक वाइड एंगल भी दिखाते हैं इसका, ये फ्रेंड्स देखें माशाल्लाह इतना खूबसूरत ये सीन लग रहा है कि आप यहाँ से गुज़रते हुए एक लम्हे के लिए भी आप अपनी आँखों को इस मोनूमेंट से हटा नहीं पा रहे हैं। और मैं अगर चाहूँ भी तो इसके गिर्द घूमने से ख़ुद को नहीं बचा सकता। और फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ख़ासकर अगर खानेवाल में ये वीडियो मूव कर जाए और लोग देखें तो प्लीज़ मेरी इस काविश को ज़रूर सराहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस मोनूमेंट को और इसके पीछे इसके बनाने के जो पीछे जो जज्बा है उसको जो है वो तकवीयत पहुंचाए। और अगर और जो ये शोहदा कराम हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। फ्रेंड्स इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Thank you.